और क्या अल्टीमेट लगती है भाई देखने में। इसका जो साउंड होता है ना, ये एकदम ऑटो जैसा साउंड निकलता है। अरे दोनों तरफ पैर सीधा करके रखोगे तब ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता, दिस इज अंश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सारे लोग मेरे तरफ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना गाइस। एंड गाइस चैनल पे जो लास्ट केटीएम वाली वीडियोस मैंने अपलोड करी है ना भाई, उस पे आप लोगों ने क्या ही प्यार मोहब्बत दिखाया यार, बहुत ही मजा आया यार। इस तरीके से ना कनेक्शन बना रहने से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से ही कर पा रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप लोगों को तो टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा यार कि मैं अपनी केटीएम लेने जा रहा हूँ आज। तो फाइनली मैंने ना डिसाइड कर लिया कि अब केटीएम ले लिया जाए। एक्चुअली मैंने कुछ 10-12 दिन पहले ना एक केटीएम का वीडियो अपलोड करा था जिसमें केटीएम का मैंने टेस्ट राइड लिया था। मैंने आप लोगों का ओपिनियन पूछा था इस बाइक पे। बहुत तरह तरह के कमेंट्स आते हैं यार, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ गलत कमेंट्स भी आते हैं, तो सब कुछ को ले करके चलना पड़ता है गाइस। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं केटीएम उठाने वाला हूँ। केटीएम उठा करके मैंने राइड पे जाने वाला हूँ, लॉन्ग राइड करने वाला हूँ, पहाड़ों का राइड करने वाला हूँ। देखता हूँ कहाँ तक क्या सक्सेसफुल हो पाता है। बस प्लान बना रहा हूँ लंबा राइड करने का। एक्चुअली एक दो ब्रांड्स का मैं वेट कर रहा था, प्रमोशंस का वेट कर रहा था, जो कि अपने पास ब्रांड डील्स आ गए हैं। तो अभी हाथ में ना थोड़े पैसे वैसे आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग राइड करके आया जाए, पहाड़ों में घूम के आया जाए, स्नोफॉल देख के आया जाए। ऑलराइट गाइस, तो अभी घर के नीचे आ चुके हैं। एक्साइटमेंट ना भाई एकदम अलग लेवल पे मेरा पहुंच चुका है भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके रखा हूँ। अभी जाकर ना केक वेक लेकर के शोरूम में जाएंगे, फिर जाकर के वहां से बाइक का डिलीवरी लेंगे। और यहाँ पे अपना रानी आ चुका है अपनी बाइक पे लेकर के, अभी अपनी बाइक से जाएंगे। ये तो सो के उठ के आ गया, देखो इसका शकल, इसको फटाफट से बुलाए। मेरा बाइक इसी के पास था तो मैं बोला भाई चलो फटाफट से आ जाओ, चलते हैं भाई। एक्साइटेड तो यो, अभी हम लोग जाएंगे गाइस केक वेक लेंगे, उसके बाद फिर जाके शोरूम पहुंचेंगे। यहाँ पे ये वाली थार देख रहे हो, क्या मस्त लगती है यार। अक्सर मैं यहाँ से जाता ना, ये थार अपने दिल में आ गई है। रॉनी भाई बोल रहा है ये वाला थार लेगा, कब लेगा भाई? पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है भाई। हम लोगों में ना सबसे अमीर यही है, ये चश्मा वाला लड़का है ना। देखो ये है कैनरा बैंक, और यहाँ पे देखो ये रंजन मेहता। पीछे बैग घुमा, ये देखो पूरा बैग में ना इसका पैसा भरती है, पूरा पैसा भरती करके लाता है, बैग में डालता है और चला जाता है। बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है ना। ये उसके इसके पास क्या है, कौन सा गाड़ी है इसके पास? वो रोड रोलर का मालिक है, चार रोड रोलर का मालिक है। ये भी जा रहा है अपने साथ लॉन्ग राइड पे, और ये अंधा भी जा रहा है अपने साथ लॉन्ग राइड पे। एंड गाइज ये जो अपना अंधा है ना, इसको रात को दिखता नहीं है, तो इसको लॉन्ग राइड में ले जाने में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है। बट ठीक है, हम लोग रात को नहीं चलाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर। यहाँ पे देखो केक आ चुका है अपने हाथ में, जाएंगे खाएंगे केक, बाइक लेके निकलेंगे गाइस। तो अभी हम लोग आकर के पहुंच चुके हैं शोरूम में, एंड गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अच्छी बात क्या है पता है, कि ये जो अपना R15 V4 ये लिया है ना, ये भी यहीं से लिया है, तो मैं अपनी RC भी यहीं से ले रहा हूँ, बहुत अच्छी डील मिल रही है। ये देखो अपनी RC वहाँ पे खड़ी है, R15 V4 के मैंने अंदर में पार्क कर दिया। और यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स लगी हुई है, सारे सेल पे लगे हुए हैं। पहले मैं आप लोगों को अपना RC का लुक दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है यार दोनों बाइक अगल बगल में। आज डे जब ये वाली RC आप लोगों ने देखी थी ना, इसमें ना बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो अभी सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गए हैं, मतलब एक कंडीशन में बाइक है। तो रॉनी भाई बाइक एकदम सही है कि नहीं? ओ भाई साहब सही है यार। तो गाइस कुछ यूज से डिलीवरी तो नहीं कर रहे, बस केक वेक काट के थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करके बाइक लेकर के निकल जाएंगे भाई। अगर जो न्यू बाइक लिए होते तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए होते, मतलब बहुत बहुत कुछ किए होते, बट अभी तो उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत केक वेक काट के एंजॉय करके निकल जाएंगे बाइक लेकर। बाइक जो है ना R15 वो रॉनी चलाएगा, अभी मैं KTM RC को चलाऊंगा और थोड़ा सा राइड वाइड कर लेंगे। मतलब जो फर्स्ट फील होता है ना, देखो पहले भी चलाया हो बट वो टेस्ट राइड था, उस समय तक मैंने लिया नहीं था। अभी जब लेके चलाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा मजा आता है, मतलब एक अलग फील होता है अपनी बाइक चलाने का, है ना। बाइक निकालते हैं, GoPro पे मिलते हैं, ठीक है। चलो चलो, कांट वेट एनीमोर। गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बार बाइक का कलेक्शन दिखा देता हूँ। इधर पे देखो सारे बुलेट रखे हुए हैं, ये देखो
भाई गिर जाएगा अभी, तो क्या कर रहा है इधर पे ना, पूरा V3 रखा हुआ है, R15 का पूरा कलेक्शन इधर पे रखा हुआ है यार, एक से एक दाम में, मतलब बहुत ही कम प्राइस में इधर पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना प्राइस बता दो अपने, अगर जो किसी भी ऑडियंस को बाइक लेना होगा ना तो यहाँ पे कांटेक्ट कर लेगा। ये देखो ट्रस्टेड ऑटोमोबाइल, यहाँ पे ये फोन नंबर है, तो आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, भाई फोन उठाएगा, भाई अच्छे से बात कर लेगा। तो भाई तो ये R15 मतलब कितने प्राइस में आ जाएगा ये सब? R15 आपको 95 to 116 में आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा 95 और 90 का जो बजट है उसमें आपको नॉन ABS मिलेगा। आप लोग को जब यहाँ से बाइक निकाल के दिया जाएगा ना तो बिल्कुल सर्विस एकदम चकाचक, मेरा जैसे KTM RC चकाचक करके दिया गया उसी तरीके से एकदम चकाचक बाइक मिलेगा। एक्चुअली क्या ना रोड पे रखा रहता है ना, थोड़ा बहुत धूला मिट्टी विट्टी आ जाता है, तो भाई एकदम कम प्राइस में दे दोगे तो एकदम कम प्राइस में। और मेरा नाम पे अमन भाई का नाम रहने से डिस्काउंट 3000 का एकदम पक्का आपके लिए रखा हुआ है, पक्का 3000 का डिस्काउंट। ये सारे मतलब 80-90,000 में मिल जाएंगे ना? और लोन होता है क्या? लोन वगैरह भी हो जाएगा? लोन का मैक्सिमम डाउन पेमेंट 30% तक रहता है, उसके बाद आपका फाइनेंस चलेगा मंथली, थ्री इयर्स का भी होता है, 2 इयर्स का भी होता है। एंड गाइज इधर पे ना बुलेट का भी कलेक्शन है, इतना यहाँ पे तो 3 बुलेट रखे हुए हैं, और भी बुलेट भाई के गैरेज में रखा हुआ है ना, बहुत सारे मतलब बुलेट का भी बहुत सारा कलेक्शन है। मैं तो बोला स्पेशली कि V3 दिखाओ, अपने V3 के ऑडियंस ज्यादा है इसीलिए भाई V3 ला करके यहाँ पे रखा है, बाकी बुलेट वुलेट सब कुछ बाइक में RC 200 हो गया आपका, KTM 390 हो गया, RC 390 हो गया, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हम लोग का स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा रहता है और क्लासिक 350 तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्लासिक 350 एंड R15 R13 अवेलेबल रहेगा। ये तो हाई डिमांड बाइक है भाई, ये तो जो हाई डिमांड बाइक है वो तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। हाँ ये तो यही से, ये जो V4 लिया ना ये यही से लिया। तो चलो भाई अपनी नई राइड को चलाते है भाई। लुक एट द बाइक गाइज, लुक एट द बाइक, क्या ही खूबसूरत बाइक है भाई, क्या ही खूबसूरत बाइक है। चलो फर्स्ट टाइम बाइक को राइड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से राइड करेंगे, ज्यादा खींचेंगे वीचेंगे नहीं, आराम से चलाएंगे, है ना भाई? चले चलो चले चल, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। इस बाइक का जो कलर स्कीम दिया है ना यार, बहुत ही डेंजरस दिया है, बहुत ही अल्टीमेट लगता है यार देखने में। मतलब भाई अगर जो मैं बाइक को क्लीन करके रखता हूँ ना तो अच्छे अच्छे बाइक को भाई ये लुक में बीट कर देगा। भाई सिटी में चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस बाइक को, और टर्निंग्स लेने में मतलब कि कॉर्नरिंग करने में ना अल्टीमेट फील आएगा। रेडियल टायर आते हैं भाई 125 cc बाइक में। ओ ले 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 ले, ब्रेकिंग तो भाई जबरदस्त है, सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है ये वाली बाइक। मतलब सिर्फ सामने के ब्रेक में ABS है, पीछे के ब्रेक में ABS नहीं है, इसका मतलब ये है कि सामने की ब्रेक मारने पे सामने की जो व्हील है वो कभी स्कीट नहीं करेगी, बट पीछे वाले व्हील स्कीट कर जाएगी ब्रेक करने पे, हार्ड ब्रेकिंग करने पे। भाई ओवरटेकिंग में थोड़ा सा पावर लैक लग रहा है मेरे को, ठीक तरीके से भाई ओवरटेकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है इसके पावर के साथ में। बड़े बड़े ट्रक को तो भाई ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बाइक के साथ में। ऐसा नहीं है भाई कि ये बाइक परचेस कर लिया हो तो इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाऊंगा, उसको नहीं लेके जाऊंगा, दोनों बाइक अपनी लॉन्ग राइड पे जाएगी, जहां भी जाएगी भाई दोनों बाइक साथ में ही जाएगी। चलो 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 भाई, बाईपास पे आ गए, बिल्कुल क्लीन रोड, चलो थोड़ा सा खींचते हैं, चल भाई। ये निकल गया यार मेरा R15 लेके, भाई बहुत ज्यादा पावर तो नहीं है इसमें, मतलब बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक पावर है, मतलब R15 के साथ थोड़ा बहुत मैनेज करके चल ले रही है, ज्यादा पीछे नहीं रह रही है बाइक। इसको जब भी चलाएंगे ना वाइट पहन के चलाएंगे तब ना अच्छे से सूट करेगा। हाँ पूरा ऑरेंज, हाँ या तो ऑरेंज या तो व्हाइट, पूरा छपरी बनाना चाहते हो का भाई? तो अभी ना मैं अपनी R15 को चलाऊंगा और इसको ना थोड़ा सा मैं रोड पे निहारूंगा, मतलब मैं चेक करूंगा कि रोड पे इसकी प्रेजेंस कैसी है, कैसी लगती है बाइक चलते हुए रोड पे, और क्या अल्टीमेट लगती है भाई देखने में। इंडिया की बेस्ट लुकिंग दो बाइक है भाई, लो सीसी में RC और R15 दोनों ही अपने पास है। वाह 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 वाह, चले बूम बूम। अपना तो पूरा हाथ सेट हो चुका है अपनी R15 में, तो इसको भगाने में कुदाने में किसी भी गैप को मारने में डर नहीं लगता है, बट अभी KTM पे ना हाथ सेट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे दीपक भाई अपना ये ट्राई करके आ चुका है, कैसा लगा भाई? गाड़ी का तो मुझे सबसे अच्छा, इसका सबसे अच्छा लगा वो हैंडल मस्त है ना, बहुत मस्त हैंडल है यार, बहुत मस्त है, बहुत अपराइट भी है, मतलब कि वो जो अपना है ना
V4 उससे तो बहुत ज्यादा अपराइट है, मजा तो आ रहा है ना, चला बहुत तगड़ा लड़की पड़ेगा। हाँ भाई KTM तो है ही उसी के लिए, एकदम मस्त ATM भी है, KTM तेरे पास सब कुछ है भाई, मस्त लग रहा है यार। मेरे को तो मतलब मन कर रहा है ना सिर्फ चारों तरफ घूम घूम के देखता रहो, मस्त लग रहा है। गुनगुन कैसा लग रहा है? मस्त है ना? राइड तो कर ली, छोटा सा राइड हो गया घर से, इसको यहाँ पे चाय पिलाने के लिए ले गया, राइड तो हो गया छोटा सा, कैसा लगा बोलो राइड करने में? राइड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आया, अच्छा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि इससे ज्यादा तेरा पुराना वाला R15 जो V4 है ना, वो ज्यादा बेटर है ना, वो बेटर। ये पीछे वाला जो पोर्शन है ना, इसमें ज्यादा स्लीपरी हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है। इसका जो साउंड होता है ना, ये एकदम ऑटो जैसा साउंड निकलता है। जल्दी से बेल आइकन दबा, सब्सक्राइब करो, 100 के सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेनेली उतरेगा, कुछ इसी साल में उतार देंगे बेनेली, टेंशन मत लो। जल्दी जल्दी गाइस अमन साहू चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 100 के कर दो बस।